रीना जी, मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि आपने शुरुआती दौर में इसमें कितनी लागत लगाई थी इसमें? सर मैंने तो इसमें 1,000 रुपए से मैंने ये अपना काम शुरू किया है। 1,000 रुपए मात्र मैंने इसमें लगाया था, और इसमें मैंने 1,000 के जो चूजे मंगाए थे उसमें कम से कम मैंने इसमें 7-8 महीनों में ही लगभग 20 से 25 हजार के लगभग इसमें कमाए, और अभी भी मेरे पास वो है, अभी मैं अंडे दे रही हूँ उनके। साहब, आपने शुरुआती दौर में इसमें इतनी कम पूंजी में लगाया, तो क्या आपने इसके लिए कोई शेड वगैरह बनाया था या फिर बिना शेड के नहीं इसमें नहीं शुरुआत सर, की थी? शेड तो मेरे पास अभी भी नहीं है सर। मेरे घर में गौशाला है, मेरे पास दो मतलब पुराना घर गौशाला है ना, गाय रहती थी वहाँ पे, लेकिन जी हमारी हमारे पास उस टाइम गाय नहीं थी, तो मैंने मुझे मतलब शौक था एक कि मतलब मैं ये मुर्गी का काम करूँ, क्योंकि मैंने काफी जगह ट्रेनिंग भी ले ली थी और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए ना, तो मैंने उस पे गौशाला में ये मुर्गी का काम शुरू किया। और तो उसके बाद फिर आपने इसको किस तरीके से किया? जैसे आपने शुरुआत में तो कम पूंजी से इसको शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ता गया तो फिर हाँ हाँ कितने आपने कितने इसमें चेक्स लेकर आए? तो फिर सर मैं दोबारा जो लाई 2020 में फरवरी को, 12 सितंबर को फरवरी में मैंने ये पशुपालन मतलब पौड़ी में जो हमारे विकासखंड प्रभारी है ना, तो उनसे मैंने संपर्क किया कि मुझे इतनी चीजें चाहिए, तो उन्होंने मेरी व्यवस्था वहाँ पे करवाई, क्या बोलते हैं पशु लोक कृषि केस में, जी, तो मैं वहां से लाई 900 बग। तो उसके बाद फिर आपने 900 बच्चों को क्या किया? मतलब इनको आपने अपने पास रखा या फिर ब्रूडिंग के करने के बाद हाँ इनको सेल मैंने आउट कर इनको, दिया उनको? हाँ जी मैंने ब्रोडिंग की, और उसके बाद इनको जो भी टॉनिक वगैरह लगाना था वो करके 1 महीने के अंदर मैंने इनको बेच दिया, मतलब लोगों को दिया ना, जैसे कि घरों में गांव में लोग मुर्गी पालने के इच्छुक तो होते हैं लेकिन दो दो चार चार मतलब लोगों को नहीं हो पाते उपलब्ध, तो मैंने वो किया प्रत्येक गाँव में, मतलब इधर से कल के कुछ गाँव पौड़ी के कुछ गाँव में लोग में से ले गए उनको। तो उसके बाद भी आप इसको मतलब कंटिन्यू मतलब करती आ रही हैं या फिर आप जैसे कुछ हाँ मुर्गियां आपकी जी बड़ी सर, हो हाँ गई तो उनको आप हाँ बड़ा फिर करके बेच रहे हैं उनको अंडे नहीं नहीं वगैरह? सर, नहीं सर ये मैंने मतलब जैसे ही मेरा ये लॉट खत्म हुआ 900 का, फिर मैंने दोबारा डिमांड करी, फिर मैंने 400 और मंगाई, फिर जी 400 को भी वही किया, वो 400 तो ऐसे हुए कि मतलब 3 दिन में ही बिक गए सारे अच्छा, जी, उनको मैंने यहाँ से, और ये मुझे यहाँ तो ले गए लोग मतलब टिहरी घनसाली में भी, वो 100 जो पाले मैंने चूजे तो वो भी वहां से वहां तक भी ले गए मतलब घनसाली में। तो इसको मतलब आप इसमें किस तरीके से इसमें देखती हैं फ्यूचर की, क्या मतलब ये करना ठीक है या जो पशुपालन में अब उतर रहे हैं जो लोग मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में, वो आपको क्या लगता है कितना अच्छा है, क्या है ये? हाँ सर मुझे लगता है कि मतलब जैसे घरों में जरूरत तो सबको है, शौक भी सभी को है, और मतलब जैसे हमारे घरों में सब कुछ वेस्ट तो थोड़ा थोड़ा सभी के घरों में होता है, जैसे सब्जी के पत्ते और थोड़ा अनाज का, ये मतलब अगर 10 10 जो चूजे भी कोई पालेगा तो उसमें कम से कम ये होता है कि 1 साल में कम से कम लोगों को 12-13 हजार रुपया उसमें आराम से मिल जाता है, और उसका अंडा जो है अपने लिए भी हो जाता है। और एक चीज इसमें, अब जैसे ये मानिए कि शुरुआत में जब आपने शुरू किया तो आपने आपको क्या पशुपालन विभाग से कोई आपने को मदद मिली है इसमें? सर मुझे पशुपालन विभाग से वैसे तो कोई ऐसी मदद नहीं मिली है ना, मतलब कि कुछ मतलब उन्होंने मुझे पैसे मतलब इस तरीके का कुछ नहीं मिला, लेकिन सपोर्ट जो हमारे विकासखंड प्रभारी है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब जैसे मैं जो मैं बोल रही हूँ कि मैं 12 फरवरी को काफी ठंड थी इस टाइम जो मैं लौट लाई थी, तो इतनी ठंड थी मतलब कि मेरे उसमें से जैसे ही चूजे बढ़ने स्टार्ट हुए, जैसे 1 मरा 2 मरा 3 मरा 10 मरे, तो मैं नर्वस हो गई, मैंने उनको फोन किया सर ऐसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दी मुझे, बताया तो कुछ भी नहीं है आप मतलब करते रहो इस चीज को, ऐसे करो टेम्परेचर वो करो, मतलब काफी सपोर्ट उन सर का मुझे मिला। और उसमें अब जैसे अब आप उसमें को कर रही हैं तो घर के अंदर ही मतलब आपने उसका ब्रूडिंग का सेटअप बनाया हुआ है, मतलब घर के अंदर ही आप कर नहीं रही सर मैंने ऐसे कोई सेटअप भी नहीं बनाया, मतलब मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया उससे, जीरो बिल्कुल। मैं भूसा मेरे घर में था, ये पराली होती है उसको काट के मैंने भूसा बनाया, और मतलब ये लकड़ी होती है लकड़ी को लगा के उनके लिए सेट बनाया, और हैं? उसी पे मैंने वो क्या बोलते तार टांग के बल्ब लगा के उनके लिए टेम्परेचर बनाया, और भी मैंने मतलब ऐसा कुछ भी खर्च मतलब बाहर से कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो अभी आपके हाँ पास जी में अभी कितने आपने रखे हुए हैं चूजे, मतलब जो अभी आप कर रही हैं आपके पास में? सर मेरे पास अभी जो लॉट था वो मतलब जो मैं लाई थी वो बीते हुए अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही हुए होंगे ना, तो 10 दिन से मैंने ऑर्डर लगा रखा है, अभी वो दोबारा आएंगे, और जो मेरे पास बड़े हैं अंडे देने वाले वो 30 है अभी, 30 के लगभग। तो इसमें मुनाफा आप किस तरीके से इसमें देख रहे हैं कि मुनाफा इसमें किस तरीके से हो पा रहा है आपको, मतलब? सर मुनाफा तो ये लगा लो कि मतलब जैसे हमें वहां से पशुपालन से हमें 2500 रुपये का वो जो चूजा मिलता है, तो
बाकी मैंने वो जो बेचे तो मैंने जिस कितना भी उसमें बेचा, मतलब एक लॉट में कम से कम फर्स्ट वाले लॉट में तो मुझे सीधे सीधे 30,000 रुपए मुझे मिले एक महीने के अंदर। सेकंड वाले भी ऐसे ही मिले होंगे लगभग। मैंने जो रजिस्टर में हिसाब बना रखा ना इसका कि हाँ कितना इनका फीड का हुआ कितना, मतलब बाकी तो मैंने और खर्च किया नहीं, तो और फीड ही लगाया और बस। तो उसके बाद जैसा आप इसमें कर रही हैं तो आप उसमें फ्री रेंज में काम कर रही हैं या फिर उनको फीडिंग इनको देती हैं जैसे कम बच्चे आपके पास में हैं जो? ये जो मेरे पास है इनको मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, इनको मैं बस ऐसे खोलना है सुबह भी शाम को, ये खुद ही मतलब अपना पेट भर के खुद ही आती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगी इसमें जो पोल्ट्री फार्मिंग के में आप उतरना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगी कि वो करें इसमें काम तरीके से? हाँ सर बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अभी हमारी जो स्थिति आई हमारे सामने कितने लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, तो मैं खुद मतलब कितने ही लोगों से मैंने करवा दिया है कि लोग करो, मतलब मैंने कम से कम जहाँ तक मेरा आंकड़ा है मेरा रजिस्टर हिसाब है मैंने कम से कम 200 लोगों को जो दिए ना चूजे यहाँ पे अपने से मतलब बिकवाए लोगों को, तो मैंने सबसे यही कहा है कि आप लोग इसको करो और उनको देख के मतलब और भी लोगों की इतनी डिमांड गई है विभाग में कि सारे लोग मतलब करना चाह रहे हैं और मतलब अच्छा है कि ज्यादा इसमें कुछ खर्चा है नहीं। फिर हमारे यहाँ पे जो ये जो देसी मुर्गी का काम है ये आराम से चल सकता है, मतलब इसमें इतना कुछ खर्च करने की हमें केवल एक महीने तक ही इसको ये दाना देना है जो बाहर का दाना है और उसके बाद तो ये खुद ही मतलब इनके लिए इतना नहीं करना पड़ता है खर्चा वगैरह। तो इसमें आप देख रहे हैं और क्योंकि इसमें भविष्य मतलब अच्छा है जो फार्मर जो इसमें काम करना चाहते हैं? हाँ हाँ सर बिल्कुल अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बल्कि खुद ही मेरा भाई बाहर से मतलब वो मुंबई में नौकरी करता था होटल में और वो छोड़ के आ गया है वहाँ, मतलब छोड़ के मतलब छूट गई है नौकरी, तो घर में आ गया, तो मैं उसको भी मैंने विभाग में भेजा हुआ कोर्ट ब्लॉक में मेरा मायका है, तो उसको मैंने वहाँ पे जो प्रभारी है उनसे मतलब मिलने के लिए भेजा है, तो वो भी जल्दी वो भी काम शुरू करने वाला है। आप जैसे अब इसमें मुनाफा अभी तक आपको कितना इसमें हो चुका होगा, मतलब जब से आपने शुरुआती दौर से लेकर और अभी तक आपने काम किया इसमें? सर मुझे लगभग में लगभग 55-56 हज़ार के लगभग मुझे इतना फायदा हो गया होगा सर जब से मैंने मतलब ये 2-3 महीनों में, बाकी आप पहले वाला तो अलग है लेकिन 2-3 महीनों में मैंने कम से कम 25,000 रुपए बिल्कुल आराम से कमाए होंगे। तो आप इसमें देखते हैं जैसे आप एक महिला खुद एक महिला है तो आप महिलाओं को भी देखते हैं कि महिलाएं? हाँ हाँ सर, जो मुझसे सबसे बड़ी बात ये है जो मुझसे जिन्होंने चूजे खरीदे सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं केवल घनसाली में हैं, एक जेंट्स जो यहाँ से वहां से यहाँ तक गाड़ी बुक करके आए और यहाँ से चूजे ले गए केवल वो जेंट्स है, बाकी सारी महिलाएं ले गई सारी। उसमें से उन लोगों ने मतलब कितने कितने आपसे लेकर गए हैं, तो कोई उसमें से पोल्ट्री फार्मिंग में उतर चुका है? हाँ लगभग लगभग जैसे कोई लेके गया कोई 100 लेके गया, फिर मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो 100 लेके गए, बाकी कोई 20 कोई 30 कोई 5 कोई 2 और कोई 15 ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत लोग ले गए ना। आप जैसे आप एक छोटी आप ये मान लें इसको मदर यूनिट के तहत आप लोग नहीं जैसे लगाया है यहाँ पर सेटअप आपका? हाँ जी 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 सर बिल्कुल। इसमें ये मान लीजिए जब आप एक महीने के बाद उनको बेच रही तो आप इसको कितने में बेच रही हैं लोगों को? हाँ सर मैं जैसे ही मेरा चूजा जैसे 15 दिन के बाद होता है तो मैं उसको बेचना स्टार्ट कर देती हूँ 70 रुपए पर पीस के हिसाब से। जी 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 हाँ, उसके बाद जैसे ही 10 दिन बढ़े तो फिर थोड़ा और पैसे बढ़े, फिर जैसे ही 10 दिन बढ़े थोड़ा और पैसे, मैं मतलब बस मैं अपना ये निकालती हूँ कि मेरा फीड का मेरी मेहनत का उसमें से थोड़ा सा निकल जाए और बाकी मतलब सभी का काम इसमें चलना चाहिए। अभी भी मेरे पास 1,000 की डिमांड तो अभी बिल्कुल है कि लोग मतलब फोन पे फोन करे जा रहे हैं कि दीदी कब आ रहे हैं चूजे कब आ रहे हैं चूजे, तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि भाई उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब कोरोना वायरस की वजह से जो लोग वापिस आए हैं तो उनके लिए क्या अच्छा व्यवसाय हो सकता है? ये भी मुर्गी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें ये है कि आदमी कम से कम उसमें और अपनी छोटे से गौशाला से लेके या तो ये मनरेगा से मुर्गी वाला बना के इसमें मतलब काम शुरू करके आराम से अपनी जैसे लोग करते हैं बाहर में लड़के लोग करते हैं 8-10 हज़ार की नौकरी, तो इससे जो काफी अच्छा इससे ज्यादा फायदा तो हमारे ये घर के इस मुर्गी पालन में है। और साथ ही साथ में मशरूम का काम भी करती हूँ सर। अच्छा मशरूम का? हाँ जी जी। मशरूम का मैं किस तरीके से कर रही है, मतलब उसको बड़े लेवल पे कर रही है या फिर उसको भी घर में ही? नहीं नहीं सर, पहले मैंने बड़े लेवल पे किया था किसी के घर में, मतलब मेरे पास इतनी जगह है नहीं लेकिन मैंने किसी के घर में किया था ना ये, और लेकिन अभी मैंने अपने घर में क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है, 3 कमरे हमारे पास, उसमें मेरी मतलब ज्वाइंट फैमिली है, सास ससुर है, दादी सास है, 3 मेरी बेटियां हैं और हस्बैंड है, तो हम लोगों के लिए रहने के लिए वही है, लेकिन घर के ऊपर जो ढेपरे बोलते हैं ना सर मैंने वहाँ पे मशरूम लगा रखी है। तो उसमें आपके मतलब कितने महीने में आप उसमें आमदनी आपकी हो जा रही है उसमें?
मशरूम में भी सर ये है कि 18 दिन के बाद उसमें मशरूम निकलना आमदनी आना स्टार्ट हो जाता है, 15 से 18 दिन के बीच में। अच्छा, तो मतलब उसको भी मतलब आप एक अच्छे लेवल पे कर पा रही हैं मतलब मशरूम को भी। जी 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 सर, मेरे पास जगह नहीं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं 5-5 किलो ये लगाती रहती हूँ कि 5 किलो लगाया फिर बेचा, 5 किलो लगाया बेचा, ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है कि मुझे मतलब ऐसे कि मैं लोगों को मेरे बोलने से है कि मतलब लोग इधर उधर ना भटकें, थोड़ा अपनी खेती कर ले, थोड़ा अपना मुर्गी पालन कर ले, थोड़ा अपना मशरूम का कर ले, तो मतलब कहीं जाने की किसी को ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है। तो आप ये देख रही हैं कि इसमें मशरूम भी मतलब एक पहाड़ में एक अच्छे व्यवसाय के रूप में उभर कर। हाँ, बहुत अच्छे सर। हाँ जी 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 जी। चलिए रीना जी, आपका धन्यवाद, हमसे बात की। धन्यवाद सर आपका भी। जी।